नमस्कार, हम बात कर रहे हैं सेफ सॉल्यूशंस के डायरेक्टर पंकज कुमार जी से। आइए जानते हैं सेफ सॉल्यूशंस की जर्नी। सर, बताएं कैसे आपने सेफ सॉल्यूशंस की शुरुआत करने की सोची, क्या ऐसी तकलीफें थी जो आपको सेक्टर में दिखी? सेफ सॉल्यूशन का शुरुआत हम लोग 2009 में किए। 2008 में एक स्टेट बैंक के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका बिजनेस फैसिलिटेटर कहा गया था। तो एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर हम लोगों ने काम किया था, तो हमें अनुभव हुआ कि समाज में बहुत ज़रूरी है, खाते की कमी है, लोग बैंक से नहीं जुड़े हैं और लोग बैंक से जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बैंक के पास एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का माध्यम भी है जिसमें हम लोग डायरेक्ट कस्टमर का के लिए खाता खोल सकते हैं और एक ग्रामीण स्तर पर छोटे बैंक के रूप में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने स्टेट बैंक से इसकी बातचीत की और हमारी लाइसेंसिंग हुई। उसके बाद हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम 2009 में शुरू किया। शुरुआत में ये सेक्टर जो था उसमें ग्रामीण लोगों को जोड़ने की पर ज़्यादा जोर दिया गया। बाद में इसको शहर में भी जो गरीब क्षेत्र हैं, स्लम इलाके हैं, वहाँ पर भी इसको ले जाया गया और आज पूरे भारत में लगभग कोने कोने में ये काम जो है वो फैला हुआ है और आज सेव की लगभग 16,000 शाखाएँ पूरे देश में हैं। सर, जब आपने गया से ये शुरुआत करी 2009 में, तो गया में आप जब शुरुआत कर रहे थे, आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि सेक्टर में गैप है, कि ग्रामीण लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं या वो जानते नहीं हैं इस सुविधा के बारे में कि बैंक उनकी कैसे सहायता कर सकता है? तो आपने क्या उसमें इनिशिएटिव देखा कि लिटरेसी कैसे की जाए? 2009 की बात अगर अभी हम लोग लेते हैं, 2024 में कर रहे हैं, तो 2009 में जब ग्राहक सेवा केंद्र का विस्तार देश में नहीं था, उस समय पर जो बैंक के आंकड़े अगर देखा जाएगा तो जिला में बैंकों की संख्या ब्लॉक के स्तर पर होती थी, पंचायत के स्तर पर इसकी बैंकों का पहुंच नहीं था। ग्रामीण जो हैं वो चाहते तो थे कि हमारा एक बैंक खाता हो, लेकिन बैंक से उनकी दूरी होती थी कि वो ब्लॉक जाएंगे तब खाता खुलवाएंगे या जमा करेंगे या पैसा का ज़रूरत होगा तो फिर उनको ब्लॉक जाना होगा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपने गांव से। तो एक वजह ये थी। दूसरा ये था कि लोग पढ़े लिखे कम थे तो उनको बैंक जाने में डर लगता था, प्लस बैंक की संरचना जो होती थी उसमें वो बाहर से ही देख करके सोचते थे कि अब जाएंगे तो फॉर्म भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं जो थी उनको बैंक से जुड़ने में एक डर भी रहता था और जो डोर स्टेप होता है, डोर स्टेप नहीं था, दूरी ज़्यादा थी उनके घर से। ग्राहक सेवा केंद्र क्या है कि बैंक से लिंक होता है और एक बैंक से लगभग 8 से 10 ग्राहक सेवा केंद्र लिंक होते हैं। तो एक ब्लॉक में मान लेते हैं कि अगर 5 बैंक हैं जिसमें स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो वहाँ से 10-10 आप समझें तो 50-60 ग्राहक सेवा केंद्र हो जाते हैं। तो एक ब्लॉक में लगभग हर पंचायत में ग्राहक सेवा केंद्र की सुविधा आज के डेट में है। अब पंचायत में होने से क्या होता है कि वो उनका उनका काम बाधित नहीं होता है। पहले अगर उनको बैंक में पैसा जमा करना है तो वो पूरा दिन वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, बैंक जाएंगे, बस पकड़ेंगे, बैंक जाएंगे, फिर बैंक में लाइन में लगेंगे, फिर पैसा जमा करेंगे या निकालेंगे, फिर वो लौट के घर आएंगे, तो उस दिन उनका कोई काम नहीं हो पाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र में है कि वो किसी भी समय बैंक चले गए, जब भी उनको सुविधा है तब ग्राहक सेवा केंद्र के पास पहुँचे, पैसा जमा किया, निकाला। फिर ग्राहक सेवा केंद्र में क्या है कि लिखने से छुट्टी है, यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता, वो फिंगरप्रिंट के आधार पर कस्टमर का पहचान होता है। अब कोई कस्टमर आया, बोला मेरा नाम राम कुमार है, तो भाई राम कुमार के नाम से रिकॉर्ड जो है
तो अकाउंट नंबर बताएगा। अब अकाउंट नंबर बताने के बाद सिस्टम जो है वो राम कुमार का फिंगर मांगेगा। अब राम कुमार अपना फिंगर देगा, वो फिंगर बैंक के डाटाबेस में होगा। अब बैंक का डाटाबेस उसको उस फिंगर को आइडेंटिफाई करेगा। अगर राम कुमार का ही फिंगर है तो ऑपरेशन करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इससे ग्रामीणों को काफ़ी आसानी होता है। दूसरा है कि फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है, मुंह से बोले कि 500 रुपये सर हमको जमा करना है या 5000 रुपये हमें निकालना है, तो जो हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि होते हैं उनके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के बाद उनका काम कर देते हैं, तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। सर ये तो हुई आपके पैसा निकालना जमा करना की बात। अब जब हम आते हैं कि लोन की सुविधा, तो ग्रामीणों में लोन की सुविधा के लिए आपका क्या विचार है, आपने कैसे उनकी तरफ कदम बढ़ाए कि हमें लोन करना है, एंड देन कैसे एक NBFC की शुरुआत करी जहाँ पे आपको लाइसेंसिंग और उसमें आप लोग आगे बढ़े। देखिए जो बैंक के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होता है एक एसेट साइड होता है। तो अगर बैंक किसी कस्टमर का खाता खोलती है, उसका पैसा रखती है, उसको समय पर देती है, इसको हम लोग या बैंकिंग भाषा में लायबिलिटी साइड बिजनेस कहा जाता है जी। और लोन जो होता है वो एसेट साइड बिजनेस माना जाता है। लोन देने के कई पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर में जो सबसे ज़रूरी ये होता है कि जिसको लोन दिया जा रहा है वो लोन लेने की क्षमता रखता है कि नहीं, इसकी पहचान। तो इसकी पहचान में जो सबसे मुख्य बिंदु होता है कि उसके खाते में क्या ट्रांजैक्शन होता है। पहले क्या था कि लोगों के पास खाते ही नहीं थे, तो वो जमा या निकासी करते ही नहीं थे। अभी क्या है कि उनके पास खाते हैं, अब वो अपने खाते में पैसा जमा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं। तो उनके जमा निकासी के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो उससे उस व्यक्ति का एक शब्द आता है क्रेडिट वर्दिनेस, तो क्रेडिट वर्दिनेस निकल के आ जाती है। तो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं जिनको नहीं पता कि पैसा जमा करने से निकासी करने से हमारा क्रेडिट वर्दिनेस तैयार होता है, उनका भी एक क्रेडिट हिस्ट्री निकल जाता है और इसके आधार पर तय किया जाता है कि हाँ इनको कितने का लोन दिया जा सकता है। तो अगर जिनका ट्रांजैक्शन अच्छा है तो उनको बैंक भी लोन प्रोवाइड करती है, और हमारी शाखाएं चूँकि ग्रामीण स्तर पर है, पंचायत स्तर पर है, तो और हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो भी उसी एरिया के होते हैं, उसी पंचायत के होते हैं, तो हम लोगों को ये पता हो जाता है कि इनके पास कितनी ज़मीन है, इनका जीवन स्तर कैसा है, तो उसके आधार पर हमारी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है सेब फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सेब माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, सेब हाउसिंग लिमिटेड, ये तीन हमारी फाइनेंस कंपनियां हैं सेब की, तो हम लोग उसके माध्यम से भी ग्राहकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ठीक सर, अगर अब बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की और सोसाइटी की, तो उस टाइम अगर जब हमने 2009 में गैप देखा कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, अब हम आज 2024 में हैं, तो क्या आप बदलाव 2009 से 2024 में देखते हैं, आगे आने वाले 5 सालों के लिए आपकी क्या विजन है कि भाई हमें क्षेत्र में और क्या सुधार करना है? बदलाव बहुत बड़ा है। पहले जो महिलाएं काम करती थीं उन वो महिलाएं अपना पैसा आंचल में बांध के रखती थी, या जो घर का बचत होता था उसको किसी बर्तन में या मिट्टी में गाड़ के रखती थी, आज वो पैसा बैंक में जाता है। फिर सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जैसे PMJJBY, PMSBBY, उसमें 20 रुपये में 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, पूरे साल में मात्र 20 रुपये देना है और 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। 436 रुपये में एनी टाइप ऑफ डेथ का 2 लाख रुपये का बीमा मिल जाता है, बीमारी से डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो। 436 रुपये को देखा जाए तो रोज का खर्चा 1 रुपया 20 पैसे के आसपास आता है,
अगर 436 को 365 से भाग देंगे तो रोज का खर्चा 120 पैसे के आसपास आएगा। तो अब ग्रामीण जो हैं वो अपना बचत अपने खाते में रख रहे हैं, तो इन खातों के माध्यम से इंश्योरेंस अपना करा रहे हैं। अगर आकस्मिक मृत्यु हो रही है तो उनके परिवार को 2-4 लाख रुपया आसानी से मिल जा रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है। महिलाएं अपने रोज की बचत या साप्ताहिक बजट बचत या 15 दिन का बचत, जो भी उनका बचत होता है, उसको वो बड़े आसानी से आकर के जमा कर देती हैं, क्योंकि सेंटर जो है, ग्राहक सेवा केंद्र है, उनके गांव में है, उनको दूर नहीं जाना है। उस समय क्या होता था कि ब्लॉक जाना है तो उनको पति से इजाज़त लेना है या किसी पुरुष को साथ में लेकर जाना है, तो वो कितना पैसा जमा कर रही हैं, कितना निकाल रही हैं, ये घर के लोगों को पता चल जाता था। आज महिलाएं जो हैं चुपके से भी आके अपनी बचत जमा कर लेती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे का इस्तेमाल भी करती हैं, तो उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। जिनकी बचत अच्छी है, जिनका ट्रांजैक्शन अच्छा है, और जो महिलाएं अपना काम भी कर रही हैं, जैसे कि घरेलू काम करते हुए कुछ महिलाएं जैसे झारखंड में है, बीड़ी पत्ता से बीड़ी बनाती हैं, कुछ महिलाएं अगरबत्ती बनाती हैं, कुछ महिलाएं मुर्गी पालती हैं, कुछ महिलाएं अपने घर के आसपास सब्जियां ही उगाती हैं, तो उनकी जो निजी आमदनी है छोटे छोटे वर्ग से, बकरी पालन से, तो ये सारी जो उनकी आमदनी होती है, पहले उनका हस्बैंड उनसे लेकर के खर्च कर देता था, आज वो पैसा उनके पास है, उनके बैंक में है, उनके अंगूठे से ही पैसा निकलेगा। तो आज वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच सकती हैं, अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकती हैं। कई महिलाएं अपने लिए अगर पैसा बचत करके जेवर भी खरीदती हैं तो वो भी उनका एक एसेट है। तो बदलाव तो बहुत आया है समाज में। सर, अगर बदलाव की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि कैसे सेव या कैसे NBFC एज अ इंस्टीट्यूशन ने कैसे उनको मदद करी है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में? आज की डेट में अगर हम देखें तो वुमन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा हैं, और रूरल क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के वो एक ऐसे स्तर पे पहुंची है जहाँ पे इंडिया को एक ग्लोबल मैप पे भी लेके जा रही है, तो उसमें आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल, महिलाएं पहले से आज के समय में बहुत ज़्यादा अवेयर हुई हैं। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग जो दिखाते हो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अब गांव की महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं। फिर आज बैंकिंग उनके घर के पास है, वो छोटी छोटी बचत भी करती हैं और उनको ऋण भी मिलता है आसानी से। कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसमें उनको ऋण मिल जाता है। और ऐसे भी हम लोग अपने ट्रेनिंग में भी, कंपनी के ट्रेनिंग में एक चीज़ इस बच्चों अपने लोगों को समझाते हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, स्टाफ हैं, CSP संचालक हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि देखो, अगर जेंट्स 100 रुपया जमा करेगा तो, या 10,000 रुपया अगर जमा करेगा तो वो 10,000 रुपया निकाल के खर्च कर लेगा, लेकिन अगर लेडीज 10,000 रुपया जमा करेगी तो वो जल्दी खर्च नहीं करेगी, वो लंबे समय तक बैंक के पास में रहेगा, तो उससे बैंक का कासा डिपॉजिट बढ़ता है और उनका क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ता है, तो और हमारा बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो हम लोग तो अपने स्टाफ को ये भी सिखाते हैं कि भाई, अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का ग्राहक ज़्यादा बनाओ, जितनी लक्ष्मी ग्राहक होंगी उतना अच्छा आपका, आपके सेंटर्स का उतना लाभ बढ़ेगा जी। और महिलाएं जागरूक हैं, पहले के बनिस्पत काफ़ी जागरूक हैं, अपने अधिकार को समझती हैं और कुछ करना चाहती हैं, और आज के डेट में समाज भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो पहले से जो जीवन स्तर है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया, तो घर बनाने के लिए 2-3 लाख, 4 लाख रुपए तक लोगों को मिले, ये पैसे उनके खाते में आए। तो शुरुआत में बहुत सारी महिलाओं ने खाता खोला, लेकिन खाते
का संचालन करने में डरती थी। जब सरकार से उनको लोन अनुदान मिल गया घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, तो वो पैसा वो निकालने के लिए आए, तो वो पैसा निकालनी, उनका आत्मविश्वास बढ़ा कि ये बैंक है, यहाँ से हमको पैसा मिला। हमारे लोगों ने इस बीच उनको प्रशिक्षित किया कि आप जमा भी कर सकती हैं, तो फिर वो जमा करने आई, फिर अपनी ज़रूरत पर मांगने आई, तो फिर उनको पैसा मिल गया। तो उनमें एक बैंकिंग हैबिट, एक बैंकिंग कल्चर डेवलप कर गया। तो सरकार के ये अनुदान से उनका घर बन गया। अब घर बनने के बाद उनके सपने और जागृत हो गए। आज वही महिलाएं अपने घरों में टीवी लगाई हैं, तो कई एक ने लोन लिया उससे टीवी लगाए, कई एक ने लोन लिया उससे फ्रिज खरीदे हैं, कई एक ने लोन लिया जिससे अपने हस्बैंड के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है। तो जीवन स्तर पहले से बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। बात करें सर महिलाओं को लोन की, तो ऐसी कुछ लोन की सुविधाएं सेफ की तरफ से हैं क्या, जहां महिलाओं के लिए स्पेशली, जैसे हम बात करते हैं टेलर मेड सॉल्यूशंस, स्पेसिफिकली औरतों के लिए ऐसे कुछ स्कीम्स या ऐसे कुछ अनुसंधान है कि हाँ अगर इस परिस्थिति में आपको लोन चाहिए तो हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? हमारी जो एक विंग है सेव माइक्रो फाइनेंस, कि महिलाओं का जो ऋण कल्चर है, लोन कल्चर जो है वो अच्छा है पुरुषों के बनिस्पत। हम लोग महिलाओं को 5-6 महिलाओं का समूह बना करके लोन देते हैं, तो महिलाओं का समूह ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है पुरुषों के समूह से। उसमें सर कोलेट्रल कोई देना पड़ता है उसमें? माइक्रो फाइनेंस में कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग उनके बिजनेस को देखते हैं, उनके क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हैं कि किस तरह से बैंक में उनका बिहेव है, कितना पैसा जमा कर रही हैं, निकाल रही हैं, क्या इनकम है, और इस आधार पर हम लोग उनको 25,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेट्रल के देते हैं। जैसा उनका बिजनेस, जैसी उनकी ज़रूरत, जैसा उनका बिहेव, जैसा उनका इनकम, उसके आधार पर ये तय होता है। चलिए सर अंत की तरफ बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल। हाल फिलहाल में सेफ सॉल्यूशंस ने काफ़ी महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स प्राप्त किए हैं, तो बात करते हैं अभी आपकी हाल फिलहाल में फंडिंग हुई है, तो इस फंडिंग के बाद आपका क्या अनुमान है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप विजन टू इट? हम लोग SBI के साथ मिलकर के को लेंडिंग कर रहे हैं और फेडरल बैंक के साथ भी हम लोगों ने कोलेंडिंग का काम शुरू किया है। तो इसमें में कोलेंडिंग में क्या होता है कि हम लोग कम बैंक के का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो प्राइवेट फाइनेंस से कम होता है। तो हमने जब बैंक के साथ मिलकर के कोलेंडिंग शुरू किया तो ये नया अनुभव था, जिसमें और सेफ सॉल्यूशन पहली ऐसी कंपनी है जिसने की कोलेंडिंग की शुरुआत बैंक के साथ की है। तो ये प्रयोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है कि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल जा रहा है, हमारी कंपनी के लिए फंड क्राइसिस भी कम हो गया और लोग बैंक से जुड़ रहे हैं तेज़ी से। और आने वाले समय में की बात करते हैं तो आने वाला समय जिस तरह से डिजिटलाइज, मनी डिजिटलाइज हो रहा है, तो बैंकों के पास में कासा डिपॉजिट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले। एग्जांपल के तौर पर लें कि पहले अगर आपको घर बनाना है और आप 1,00,000 रुपया बैंक से लेती हैं, तो 1,00,000 रुपया जो है वो आप नगद लेके आई, आपने नगद ईंट वाले को दिया, नगद सीमेंट वाले को दिया, नगद लेबर को दिया, तो 1,00,000 रुपया आप अगर आप 15 दिन में खर्च करती हैं तो 15 दिन तक 1,00,000 रुपया ब्लॉक है नगद के रूप में। आज के डेट में बैंक डिजिटलाइज पैसा दे रही है, आपको डिजिट में दिया, आपने सीमेंट वाले को डिजिट में दिया, आपने ईंट वाले को डिजिट में दिया, और UPI आजकल फेमस है, आप मजदूरी भी डिजिट से दे सकती हैं। तो जो कैश अमाउंट है वो तो बैंक में ही रह गया और उसके अगेंस्ट में डिजिट में पैसा गया, तो बैंक उस डिजिट को बढ़ा भी सकती है। जैसा मेरी जानकारी है कि शायद 7 times उसको बैंक बढ़ा के दे सकती है, तो वही उसी 1,00,000 रुपए के अगेंस्ट में आज बैंक 7 लोगों को लोन दे सकती है। तो अब एक कासा डिपॉजिट बढ़ा है और बैंक
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहती है, उनको लोन देना चाहती है। और हम लोगों ने बैंक के लिए खाते खोले हैं, बैंक के कस्टमर्स को सेब डेबिट क्रेडिट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा योजना, इन सारी चीज़ों की सेवाएं हमारे माध्यम से दी जा रही हैं। तो बैंक हमारे माध्यम से को-लेंडिंग भी कर रही है। तो जो आने वाला समय होगा कि जैसे आज शहरों में सुविधा होती है कि आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, आप मोबाइल दुकान पर गई, आपको मोबाइल का लोन देने के लिए किसी बैंक का आदमी खड़ा है। तो आने वाले समय में हमारी जैसी संस्थाएं और आगे बढ़ेंगे और ये सुविधा गांव की महिलाओं को मिल जाएगा कि अगर उनको मोबाइल लेने की ज़रूरत है तो गांव में उनको मोबाइल का ऋण मिल जाएगा। तो ये बैंकिंग जो है, जो आज शहरों में है कि हम मोबाइल फ्रिज टीवी जो भी आज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए तुरंत लोन की सुविधा है, अब ये धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। और निश्चित भारत जो है, इंडिया एक उज्जवल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, लिटरेसी भी बढ़ी है, महिलाएं पढ़े लिखी भी हैं, गांव के लोग भी पढ़े लिखे हैं, अब लोगों को सिविल समझ में आता है। आप गांव की महिलाओं से बात करेंगी, माइक्रो फाइनेंस की महिलाओं से बात करेंगी तो उनको वो सिविल के बारे में आपको बताएंगे कि नहीं हमको किस्त समय पर देना है, मेरा सिविल ख़राब हो जाएगा नहीं तो। तो इतना अवेयरनेस आना 2009 से लेकर के आज 2024 तक सचमुच एक क्रांति है। धन्यवाद सर। थैंक यू।